नमस्कार दोस्तों, तो गाइस आज मैं आप लोग के लिए मैं एक प्री ओन लैपटॉप गाइस लेके आया हूँ, जो कि आपको गाइस ऑब्वियसली जिनको i3 के लैपटॉप में नहीं जाना है, जिनको i5 ही चाहिए एंड गाइस उनका उतना बजट नहीं है, इफ दे वांट टू गो फॉर प्रीमियम ब्रांड्स डेल एचपी टू बी वेरी प्रिसाइज। इसमें गाइस एसर असूस ये सारी कंपेरिजन नहीं कर सकते बिकॉज डेल एचपी यूजर्स को पता है उनकी सर्विस, उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी, ओवरऑल लाइफ स्पैन कैसी होने वाली। तो गाइस मैं लेके आया हूँ एचपी का गाइस 15.6 में बढ़िया लैपटॉप है गाइस, वेरी गुड कंडीशन में आपको मिलने वाला है यहाँ पे, जो कि आपको 8th जेन में मिलने वाला है। अभी काफी लोग कहेंगे 8th जेन का सर 10th जेन आ गया, 11th जेन आ गया, अभी 12th जेन आएगा, थोड़ा टाइम है, बट गाइस 9th जनरेशन गेमिंग में चला गया, आपको बजट में कंज्यूमर लैपटॉप में 9th जनरेशन नहीं मिलेगा इन जनरल। तो गाइस ये जो लैपटॉप है 8th जनरेशन है, काफी डिसेंट परफॉर्मेंस है इसका, 4 कोर 8 थ्रेड्स तो गाइस आता ही आता है 8th जनरेशन के प्रोसेसर में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में। जैसे बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो बहुत ही मतलब ये कॉमन बिल्ड है एचपी के लैपटॉप में, सिल्वर कलर, बैक साइड सिल्वर, पूरा का सिल्वर, बेजल ब्लैक मिलता है और नैरो हो सकती थी। हिंज क्वालिटी का काफी डिसेंट है, यहाँ पे इतना ही इसका एक्सटेंड है और करेंगे तो टूट जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट राइट क्लिक से हैंड रेस्ट काफी डिसेंट है, कीबोर्ड का काफी बढ़िया है, चिकलेट कीबोर्ड है, सॉफ्ट टच है गाइस, काफी सॉफ्ट टच है और थोड़ा रिस्पॉन्सिव होता तो बहुत अच्छा लगता। यहाँ पे गाइस फ्रंट स्पीकर्स मिलते हैं, पावर बटन है, यहाँ पे गाइस वेबकैम है, ओवरऑल अगर आप क्वालिटी कंडीशन देंगे तो काफी डिसेंट क्वालिटी कंडीशन आपको गाइस यहाँ पे चेक करने मिलने वाले हैं। यहाँ पे गाइस डीवीडी रीडर, लॉक स्लॉट, यूएसबी पोर्ट, एचडी कार्ड रीडर, ये सर पे गाइस चार्जिंग पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, एचडीएमआई आउटपुट, 2 USB पोर्ट्स, कुल मिला के 3 USB पोर्ट्स, 1 इथरनेट पोर्ट, 1 HDMI, हेडफोन माइक्रोफोन कंबाइन जैक एंड चार्जिंग पोर्ट। तो गाइस कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो वैसे कोई इश्यू आएगा नहीं, वीजीए पोर्ट है नहीं, क्योंकि गाइस ये काफी मतलब डिसेंट कैटेगरी के लैपटॉप में आता है, बट डीवीडी रीडर है तो भी लोग यूज नहीं करते, बट एक अच्छी और एक फीचर मिल जाता है। तो क्विकली बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो आपको इसके अंदर गाइस कोर i5 का 8th जनरेशन प्रोसेसर मिलने वाला है, जो कि 8265U प्रोसेसर है, 4 कोर 8 थ्रेड्स, 8 GB DDR4 रैम मिलने वाली है आपको, 1 TB हार्ड ड्राइव प्लस 256 GB गाइस आपको इसमें SSD मिलेगी। एंड गाइस अगर मैं और एक बात आपको मैं अगर लेजिट वाली करूं तो आपको गाइस जो SSD मिलने वाली इसके अंदर वो है सैमसंग की 970 ईवो। मैंने फोटो गाइस लगाया, आप चेक कर सकते हो, हार्ड डिस्क का फोटो जो है मैंने लगाया है। तो गाइस आपको जो परफॉर्मेंस है, तो फ्लुइडिटी है, मतलब वो ऑब्वियसली अमेजिंग मिलने वाली बिकॉज ऑफ दी SSD। तो यहाँ पे काफी डिफरेंस मेक करता है SSD एंड हार्ड ड्राइव के बीच में, काफी फर्क होता है। आप कोई भी लैपटॉप लेटेस्ट लो या यूज लो, कोई भी लैपटॉप लो, आपको गाइस SSD हार्ड ड्राइव सारी चीजों में आपको बढ़िया का बढ़िया आपको गाइस मिलने वाला है। चाहे आप कोई भी लैपटॉप लो, पुराना लो या नया लो, SSD और हार्ड डिस्क में आपको परफॉर्मेंस डिफरेंस मिलेगा। बैटरी बैकअप गाइस आपको 2 to 3 hours एवरेज बैटरी बैकअप मिलेगी, तो बैटरी में इश्यू आएगा नहीं। लैपटॉप के साथ गाइस आपको ओरिजिनल चार्जर दिया जाएगा। मैं आपको क्विकली इसकी वेबकैम क्वालिटी दिखा देता हूँ। जैसे बात करते हैं इसकी वेबकैम की, तो अगेन गाइस डिसेंट वेबकैम है, गुड फेस आइडेंटिफिकेशन, लाइटिंग थोड़ी बेटर हो सकती थी, बट अगेन गाइस लाइट चालू है, थोड़ी ग्लेयर आ रही है, बट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए काफी डिसेंट वेबकैम है। लोग वेबकैम आजकल कम देखते हैं, बट ट्रस्ट मी एचपी डेल अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करती है। काफी ब्रांड्स 11th जनरेशन के लैपटॉप में आपको 480p का वेबकैम देती है, जो कि हॉरिबल है, नहीं जाना चाहिए, एक्सटर्नल वेबकैम लगाना पड़ता है, इवन इफ यू आर स्पेंडिंग 30-40k, एंड दैट इज रबिश। तो गाइस इसका वेबकैम काफी अच्छा है, फ्रंट स्पीकर है, तो क्वालिटी आपको आउटपुट भी अच्छा है, मीडिया के लिए बहुत ही अच्छा होता है, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर परचेज करना चाहते हैं तो कॉल कीजिए 8850247354 पे, व्हाट्सएप कर सकते हैं सेम नंबर पे। हमारे यहाँ पे गाइस नो सीओडी, यहाँ पे आकर चेक करके आप ले सकते हो। गाइस आप वहां बैठ के ऑर्डर करना है तो पूरा पेमेंट एडवांस लगेगा, 200 रुपए कम होगा, फिर भी शिप नहीं होगा, जो अमाउंट है वो अमाउंट होगा हमारा अकाउंट में रिफ्लेक्ट, तभी यहाँ से डिस्पैच होगा। ऑल शिपमेंट्स कवर अंडर इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, डैमेज हो गया आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो, रिटर्न रिप्लेसमेंट सारी चीजें गाइस हो जाएगी, ऑन डैमेज अनबॉक्सिंग वीडियो इज कंपलसरी। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे साथ गाइस बने रहिए। अगर लैपटॉप नहीं लेते हो तो खास और भी बने रहिए।